मुरादाबाद जनपद में पड़ रहे घने कोहरे और ठंड ने जहां आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करके रख दिया है, तो वहीं इस बार पड़ रहे घने कोहरे ने कड़कड़ाती ठंड ने परिवहन सेवाओं को भी सुस्त करके रख दिया है। दरअसल कोहरे और ठंड के कारण मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली तमाम यात्री ट्रेन अपने समय से घंटों की देरी से चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कत पेश आ रही है। यात्री अपनी ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफार्म पर ही ठंड में अपना समय गुजारने को मजबूर हैं। यात्री कहते हैं कि वह तो ट्रेन के आने के समय पर ही स्टेशन पहुँच रहे हैं, लेकिन ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से पहुँच रही हैं। वहीं इससे ज्यादा बुरा हाल तो उन यात्रियों का हो रहा है जो रेंगती हुई ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, जिनकी ट्रेन को कभी उनके गंतव्य स्थान तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी सिर्फ सुस्त गति से पटरियों पर ही दौड़ रही है। सर, मौसम के चलते जो है रेलवे में क्या समस्या पैदा हुई है और उसमें क्या समाधान करने का प्रयास किया जाए? देखिए, ये सर्दियों के मौसम में जो कोहरे का मौसम होता है, इसमें गाड़ियों की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, इसलिए ओवरऑल हम लोग के सेक्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उस लिमिटेड कैपेसिटी में ट्रेन चलाने के लिए कुछ गाड़ियों को हमें कंट्रोल करना पड़ता है और कुछ को कैंसिल भी करना पड़ता है। तो इस बार कोहरे में जो हम लोग की 16 पेयर ट्रेन हैं जो कि हम लोगों ने कैंसिल करी हैं, और 7 पेयर ट्रेन ऐसी हैं जिनकी की थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम करी गई है। जो इसके अलावा जो हम लोग कोहरे पे कोहरे को के समय में गाड़ी सबका संचालन करने के लिए जो एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं, उसमें हम लोगों ने सभी लोको पायलट्स के पास में एक फेल सेफ डिवाइस होती है जो कि सिग्नल की लोकेशन के बारे में सिग्नल के आने से पहले बताती है, ताकि वो ड्राइवर को लगातार अलर्ट करता रहे कि वो किसी सिग्नल के पास में पहुंच रहा है। तो ये हमारे सभी लोको पायलट्स को उनकी हर एक ट्रिप में एक ये FST डिवाइस, FST बोलते हैं इसको, FST डिवाइस दी जाती है, जिससे कि वो अपने कोहरे में इसका सुरक्षित संचालन कर सकें। इसके अलावा सिग्नल के पहले एक लाइम से मार्किंग, सिग्नल पोस्ट की पेंटिंग, और जो हमारे स्टेशन स्टाफ रहता है, इंजीनियरिंग का स्टाफ जो लाइन पे पेट्रोलिंग करता है, उनको उनके पास पटाखे वगैरह भी उनको रहते हैं कि अगर उनको कोई ऐसी इमरजेंट सिचुएशन दिखाई पड़ रही है तो अपने ट्रैक पे पटाखे लगा कर के भी गाड़ी को रोक सकें। जितनी भी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं कब तक रहेंगी और क्या? देखिए, अभी ये ट्रेनों का संचालन 31 जनवरी तक नियंत्रित करा गया है, और 31 जनवरी के पश्चात जिस तरह की मौसम का हाल रहेगा उसके हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, तो ऐसे समय में क्या कहना चाहते हैं मुझे? देखिए, मैं सभी यात्रियों से को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि रेलवे जो है संरक्षित परिचालन के लिए प्रतिबद्ध है, और ये जो हम लोगों ने ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम करी है, ये उसी की दिशा में उठाया हुआ कदम है। हम चाहते हैं कि वो जहाँ की भी यात्रा कर रहे हो वहाँ पे सुरक्षित पहुँचे।